हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू रेसिपी अड्डा बाय मेघा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंदौर की बहुत ही फेमस स्टीम्ड साबुदाना खिचड़ी की रेसिपी। तो ये जो रेसिपी है, इसमें क्या करते हैं कि जो साबुदाने हैं उनको स्टीम करके उसके बाद में खिचड़ी बनाई जाती है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप इसे एक बार बनाकर खाएंगे तो आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। बार बार इसी तरह से खिचड़ी बनाकर खाना चाहेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करते हैं और फटाफट से देख लेते हैं कि ये जो स्टीम्ड साबुदाना खिचड़ी की रेसिपी है ये कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कप मीडियम साइज़ के साबुदाने लेंगे और इनको अच्छे से पानी से 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें लगभग 1/4 कप पानी ऐड करेंगे, या फिर इतना पानी ऐड करेंगे कि जो साबुदाने की ऊपर की सतह है और जो पानी की ऊपरी लेयर है वो दोनों बराबर हो, जो साबुदाने हैं वो पानी में अच्छे से डिप हो जाएं। आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे साबुदाने अच्छे से फूल चुके हैं, काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको किसी भी एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर केक मोल्ड यूज़ कर रही हूँ, इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे और इसके बाद जो हमने साबुदाने भिगो कर रखे हैं उन्हें इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके बाद ये जो साबुदाने हैं इनमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो आप ऐड कर लें। इसके बाद हम साबुदाने को स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टीमर में पहले से ही पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद हम इस तरह से इसमें साबुदाने रखेंगे और लगभग 20 से 25 सेकंड्स के लिए स्टीम करेंगे। बहुत ज़्यादा देर स्टीम मत कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो साबुदाने हैं वो बहुत ज़्यादा चिपक जाएंगे और उतनी अच्छी खिचड़ी नहीं बन पाएगी। अब हम खिचड़ी के लिए तड़का तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ, अच्छे से गरम कर लेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, क्यूमिन सीड्स, 1/4 टीस्पून हींग, 3 से 4 इस तरह से रफली कटी हुई हरी मिर्च, आप चाहें तो यहाँ पर कड़ी पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि लो फ्लेम पर फ्राई करने से क्या होगा कि जो जीरा है और जो हरी मिर्च है इनका काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए, हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुकी है और हमारा जो तड़का है वो भी तैयार हो गया है। इसके बाद मैंने क्या किया है कि 2 मीडियम साइज़ के आलू को अच्छे से बॉईल करके उसका छिलका उतार के इस तरह से रफली मैश कर लिया है। अब हम जो हमने तड़का तैयार किया था उसे ऐड कर देंगे। 1/4 कप भुने हुए और पीसे हुए मूंगफली के दाने ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टी स्पून लौंग और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर ऐड करेंगे, 1 टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे और आवश्यकता के अनुसार रॉक सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 1/2 कप पुदीने वाली चिप्स, 1/4 कप आलू का तीखा वाला मिक्सचर और 1/4 कप आलू का मीठा वाला मिक्सचर। इसके बाद हमने जो साबुदाने स्टीम करके रखे थे उन्हें ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो साबुदाने हैं वो काफ़ी चिपचिपे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये जो साबुदाने की खिचड़ी है ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी और बहुत ही ज़्यादा खिली खिली बनेगी। क्योंकि जब हमने साबुदाने को स्टीम किया तो सिर्फ साबुदाने थे और स्टीम करने पर वो हल्के से चिपचिपे हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप इनको ये जो हमने अभी आलू और सभी चीज़ों का मिक्सचर तैयार किया है इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये जो साबुदाने हैं ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहेंगे और जो साबुदाने की खिचड़ी है वो भी काफ़ी खिली खिली बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो खिचड़ी है ये खाने में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो आपने इस तरीके से अभी तक साबुदाने की खिचड़ी बनाकर ट्राई नहीं की है तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पुदीने की चटनी और आधे नींबू का रस, दोबारा से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो पुदीने की चिप्स ऐड की हैं
वो मैंने मार्केट से परचेज की है, लेकिन आप नॉर्मली जो हमारे घर पे चिप्स होती है आलू की, उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी इंदौरी स्टाइल स्टीम्ड साबुदाने की सॉफ्ट सॉफ्ट और खिली खिली खिचड़ी बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी ये जो साबुदाने की खिचड़ी की रेसिपी है ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।